अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कसूर से हमारी कार्गो रिसीव हो चुकी है, जो थी न्यूजीलैंड की। 5 फीमेल्स थीं, तकरीबन इनकी एज है 2 से 2.5 महीने और इनका वेट है 1.5 से 2.75 किलो। 4 हमारे पास ऑलरेडी न्यूजीलैंड की पड़े हुए हैं अडल्ट्स, जिसके अंदर 3 फीमेल्स और 1 मेल है। तो अब ये पूरा सेट बन गया है 8 फीमेल्स और 1 मेल का। ये जी न्यूजीलैंड है, इनको अभी बाहर केज में डाल के आएंगे। अभी इनको ऊपर ओपन किया ला के, अभी इनको हम खोल देते हैं और एक दफ़ा इन सब के जेंडर भी कंफर्म कर लेते हैं कि जो चीज़ उन्होंने बताई थी वो है अभी, यानी कि फीमेल सारी हैं भी या बीच में कोई मेल भी है। ये हैं जी 5 पीस जो आए हैं कसूर से, इनके भी जेंडर चेक कर लिए हैं। उन्होंने बताया था 5 फीमेल्स हैं, लेकिन इसके अंदर 4 फीमेल्स हैं और 1 मेल है। तो ये भी इन भाई को भी बताएंगे कि आपने 5 फीमेल्स भेजनी थी, लेकिन आपने भेजा 4+1 का सेट है। इसमें जो फीमेल की प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है, मेल की कम होती है। उनके पास ऑलरेडी कुछ पेमेंट है, क्योंकि ये टोटल 7 पीस थे, हमने इनको 7 पीसेस की पेमेंट सेंड की थी। 2 पीसेस की उन्होंने वो रिटर्न करनी है, और इस मेल की भी देखते हैं कि वो क्या कंपनसेट करते हैं हमें और क्या नहीं करते। फिर ये एक इंग्लिश अंगूरा की फ़ीमेल थी जो कल आई थी हमारे पास मानसेरा से। ये फीमेल प्रेग्नेंट थी, इसने नेस्टिंग थोड़ी सी की थी, और इसने किया ये कि इसने बनीज दे दिए थे बाहर। 3 बनीज थे, वो भी हमने सेपरेट कर दिए, इसलिए क्योंकि मदर जो है वो दोबारा ब्रीड करेगी, तो ये वाले बनीज को वो डैमेज कर देगी। एक बच्चा जो है वो थोड़ा ठंडा हुआ हुआ है, और 2 बनीज जो हैं ये ठीक है। अभी अगर इनकी मदर दोबारा और बच्चे दे देगी तो फिर इनको उस टाइम पे माँ के साथ छोड़ देंगे। अभी फ़िलहाल इनको अलग ही रखते हैं, क्योंकि माँ इनकी काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। ये जो लास्ट डेज़ में प्रेगनेंसी के जो शिफ्टिंग होती है, उसमें फ़ीमेल जो होती है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। समटाइम्स वो बच्चे इसी तरह मरे हुए दे देती है, और समटाइम्स वो नेस्टिंग किए बगैर दे देती है। इसमें तो ये है कि हमने इसको हे नहीं दी हुई थी जिसमें ये नेस्टिंग करती है, तो इसलिए इसने ये शायद बाहर ही दे दिए। अभी इसको हमने हे भी दी है और थोड़ी सी वूल भी दूसरे रैबिट की दी है, ताकि ये अपना नेस्ट दोबारा बना सके। उम्मीद है कि 3-4 बच्चे और देगी दोपहर तक या रात तक, तो फिर ये वाले जो बनीज हैं ये भी हम उसके नेस्ट में डाल देंगे। 2 घंटे हो गए हैं फीमेल को ये वाले बनीज दिए हुए। अब माशाल्लाह बनीज जो हैं ये स्टेबल हैं, और इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठीक हो चुका है। तो आपके फॉर्म पे हर टाइम वूल पड़ी हुई होनी चाहिए, एमरजेंसी में ये वूल काम आती है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है। इसलिए जब बनी आपको एमरजेंसी रखने पड़े तो फिर आप इस तरह बॉक्स में वूल बिछा के बनीज उसके अंदर आप रख सकते हैं। अब माशाल्लाह ये तीनों हेल्दी लग रहे हैं इस टाइम, हाथ भी हमने लगा के देखा और इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठीक है। इनकी माँ का हमने पेट चेक किया है हाथ लगा के, उसके पेट में स्टिल बनीज हैं, और ये जो है ये दोबारा नेस्टिंग भी कर रही है। तो ये अभी और बनीज देगी, जब ये और बनीज दे के बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, तो ये जो 3 बनीज बाकी हैं ये भी हम उन्हीं बनीज के साथ रख देंगे।